नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ से ट्रैफिक वालों की मार। जी हां, ये कहना गलत नहीं होगा। जब से हम कह सकते हैं कि कोरोना का दौर शुरू हुआ है, तब से ट्रैफिक कर्मी जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, ज़्यादा चलान जो है वो किए जा रहे हैं। हालांकि चलान करना उनका राइट है, और जो कानून का उल्लंघन करेगा उसका फाइन करना भी एक तरह से वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि इस वक्त कोर्ट बंद हैं। कोर्ट बंद होने के कारण हमारी आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। या तो उनका चलान ऑन स्पॉट किया जाए, अगर ऑन स्पॉट चलान नहीं किया जा रहा है, उनको कोर्ट चलान किया जा रहा है, उस कारण जो है उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है, काफ़ी सफ़र होना पड़ रहा है। आइए इसी पर चर्चा करते हैं कि आखिर कोरोना के इस दौर में इतना चलान क्या ज़रूरी है, क्या कोई और रास्ता भी निकाला जा सकता है। आपका नाम? सर वरुण। वरुण जी, ये बताइए कि आपका किस चीज़ का चलान कटा है? सर विदाउट हेलमेट का। विदाउट हेलमेट का कोर्ट का कटा है या ऑन स्पॉट आपने फाइन भरा है? सर कोर्ट का कटा है, और सर जहाँ तक मुझे पता है कोर्ट बंद है। जब से लॉकडाउन हुआ कोर्ट तभी से बंद है, और ये खुद जब चलान कर रहे थे ना तो कह रहे थे कि अब आपको जो अपने इन्होंने मेरा लाइसेंस रख दिया है वो कह रहे कि अगले साल ही मिलेगा। तो आपको लगता है इन्होंने सही किया? सर गलत है। अब मैं मेरे डॉक्यूमेंट तो उन्होंने रख लिए, वो कहते कोर्ट से मिलेंगे, अब मैं एक साल का वेट करूँ, क्या करूँ, बाइक नहीं चलाऊँ। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है अनमोल शर्मा। अनमोल जी, ये बताइए कि आपका क्या चलान हुआ यहाँ पर? बिल्कुल सर, चलान हुआ है। बोलते आपने हेलमेट नहीं पहनी थी। ठीक है सर, इनका काम है देखना, चलान करना, वो कोई बात नहीं। गवर्नमेंट जो भी प्रोसीजर है वो तो इन्होंने फॉलो करना ही करना है। ठीक है, वार्निंग दे सकते हैं ये, अदरवाइज मतलब कि यहाँ पर भी चलान कर सकते हैं कि आप इतना फ़ाइन भरो, आप जा सकते हो। अभी बेसिकली कोर्ट बंद है, ठीक है, मार्च महीने से। अभी हम कहाँ जाएंगे? इन्होंने खुद बोला है कि आपको 1 ईयर के बाद, मतलब नेक्स्ट ईयर में आपको ये लाइसेंस मिलेगा। इन्होंने लाइसेंस तो रख लिया, कल को इन्होंने बोला 30 तक डेट है चलान की। कल को हम कहीं बाहर जा रहे हैं, आगे पीछे भगवान ना करे हम जाएंगे, किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया या मेरे से हो गया, मैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम, जो भी इशू आएगा वो मैं कैसे सॉल्व करूँगा? ये थोड़ी ना सर आएंगे सॉल्व करने के लिए, ये बोलेंगे आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, मानते हैं अभी हमारी प्रॉब्लम थी, लेकिन बाद में किसकी प्रॉब्लम होगी? जब हमारा कहीं एक्सीडेंट हो गया, अगर कहीं हिट करके हमने किसी की डेथ हो गई, फिर हम कैसे करेंगे? सर आप बताइए ना। आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सर हेलमेट नहीं डाली थोड़ा सा, ठीक है मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैं घर से निकला थोड़ा जल्दी में, काम था, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा मैं सॉरी सूरी बोला, मैं सर इस बार माफ़ कर दो, मैं चले जाता हूँ घर पे, यहाँ से हेलमेट ले आता हूँ फ्रेंड से, कोई बात नहीं है। बोलते नहीं, आप कोर्ट में जाओ, वहीं से आप करो। मेरा नाम एडवोकेट अर्जुन सिंह है। अर्जुन जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चलान जो किए जा रहे हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखें, कोर्ट में मार्च से ही जो है कोर्ट तकरीबन बंद कर दिया गया था, तो इमरजेंसी मैटर्स ही सुने जा रहे थे। तो गाड़ी रिलीज़ की जहाँ तक बात है तो वो तो कोर्ट में करवाई जा सकती है, लेकिन चलान जो हैं वो कोर्ट में अभी डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस से यही हमारी गुजारिश है कि आप ऑन स्पॉट ही कंपाउंड कर लें, फ़ाइन कर लें, क्योंकि कोर्ट में मार्च से अगर चलान जा रहे हैं डिस्पोज ऑफ होने के लिए, अभी तक नहीं हो रहे, तो आप लगा लें कि अभी कितना टाइम हो चुका है। तो इतने सारे चलान जब एक साथ कोर्ट में, जब कोर्ट खुलेगी तो होंगे, आधे चलान मिसप्लेस हो जाएंगे, जिससे जनता को कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि ऑन स्पॉट ही आप फाइन कर दें उनको, वो ज़्यादा बेहतर है। आपका नाम? हाँ आदित्य शर्मा। आदित्य जी, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि जो ट्रैफिक वाले इस समय कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हालांकि उनकी ड्यूटी बनती है चलान करना, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखें वैसे भी इस टाइम पर कोरोना का प्रकोप है, हम सब जानते हैं कि कोरोना के कारण इस अर्थव्यवस्था तो वैसे चरमरा गई है, डेली वेजे वैसे मरा हुआ है, लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही है, रेंट नहीं दे पा रहे, वो इतनी प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली हम सब फेस कर रहे हैं कि इस टाइम पे आप देखें, सुबह जब आप 9:30 बजे बाहर निकलते हैं तो हर चौराहे पे इन्होंने एक नाका लगाया हुआ है, 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नाका लगाया हुआ है, जैसे कि इन्होंने सारा रेवेन्यू सिर्फ हम ही लोगों से जनरेट करना है। नो डाउट अगर जो वायलेटर्स हैं उनको आपने पनिश करना है, यू आर सपोज टू डू योर जॉब, बट द थिंग इज आपने बाकी एस्पेक्ट भी देखें। एक बाइक वाला जो जा रहा है जिसकी 10,000 रुपये महीने की सैलरी है, वो बेचारा जल्दी अपने काम से निकल रहा है, हेलमेट पहनी है, आप उसको रोक रहे हैं, उसको बोल रहे हैं तूने मास्क नहीं पहना, देन आफ्टरवर्ड आप उसको बोल रहे हैं तेरे में ये गलती है, तेरे में वो गलती है। आप थोड़ी देर के लिए अगर इसको ईज ऑफ कर दोगे फॉर 1 month or 2 months, इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर anyone। आप रेवेन्यू जनरेशन के लिए इसको अगर सिर्फ वही एक व्यू पॉइंट लेके चल रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेट करना है, तो ये गलत चीज़ है इस टाइम पे, मैं तो ये कहूँगा ये टोटली गलत है।
साथ ही साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो चलान किए जा रहे हैं वो कोर्ट चलान भी किए जा रहे हैं, और कोर्ट चलान से इस वक्त कोर्ट बंद होने के कारण क्या क्या परेशानी आ रही है? देखो, कोर्ट में भी इस वक्त SOPs लागू हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शंस वही हैं जो बाकी जगह पे हैं। जैसे 10 साल के नीचे का बच्चा, 65 के ऊपर के ओल्ड एज पर्सन ये नहीं जा सकते, 4 या 5 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं हो सकते, गाइडलाइंस फॉलो करनी है। आप उनको चलान पे चलान थमा रहे हैं, वहाँ पे डेट्स पड़ नहीं रही हैं, मार्च के महीने के चलान भी आज तक की डेट के अभी तक भुगते नहीं गए हैं। तो आप ये हिसाब लगा लें कि अगर वहाँ पे इतना जमघट अगर आपने क्रिएट करना ही है तो कितनी प्रॉब्लम होगी। एक साथ जब ये खुलेगा इट विल बी अराउंड 50,000 के ऊपर के चलान होंगे जो उस टाइम पे टैकल करना प्रॉब्लम हो जाएगी हम सबके लिए। लेकिन देखा ये जाता है कि जहाँ नाके लगे हैं कोर्ट के चलान हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को हैरास करने के लिए चलान कोर्ट्स के काटे जा रहे हैं जबकि कोर्ट्स में लोगों की एंट्री बंद है। और ये भी देखा जाता है कि अभी मेरे सामने यहाँ हमें भी रोका गया है, ठीक है अगर हमने कोई वायलेशन की हम नहीं कहते कि हमारा चलान नहीं काटो, लेकिन सामने सामने लोगों को छोड़ा जा रहा है, कोई स्माइल देके जा रहा है, कोई अपना वाकिफ जा रहा है। ये पिक एंड चूज जो ट्रैफिक पुलिस की पॉलिसी शुरू से होती है ये आज भी सड़कों पर देखने को मिलती है, इस लॉकडाउन के पीरियड में भी देखने को मिलती है। और कोर्ट्स जब बंद हैं डेलिब्रेटली लोगों को कोर्ट्स के चलान काटे जा रहे हैं जो कि कंडेमेबल है। कि इस वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, ट्रैफिक वाले भी यहाँ पर हैं, ट्रैफिक वाले केवल और केवल अपनी ड्यूटी करते हैं, केवल और केवल चलान करते हैं, ये नहीं कि वो थोड़ी इंसानियत का परिचय दें और जो एक्सीडेंट हुआ है, जो गिर गया है उसको उठाने का प्रयास करें। सर के नाम थोड़ा? मेरा नाम श्यामलाल जी। श्यामलाल जी क्या हुआ आपके साथ अभी? अभी मैं आगे पीछे से चल रहा, आगे स्कूटर वाले चल रहे थे, उन्होंने पुलिस वाले को देखा तो अचानक ब्रेक मार दी और पीछे मोड़ लिया स्कूटर। 2 आदमी 4 आदमी थे, 2 स्कूटर गाड़ियाँ थी, तो उसके बाद मेरा स्कूटर था पीछे पड़ गया, गिर गया नीचे, वो मुझे लग गई है। आपका एक्सीडेंट हुआ? इन्होंने कहा जी एक्सीडेंट हो गया मेरा, इन्होंने किसी ने आगे आगे कोई बात नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। आपका एक्सीडेंट हुआ, ट्रैफिक वाले यहाँ खड़े हैं, आ नहीं रहे? जी जी नहीं आए मेरे पास, कोई नहीं आया, मैं खुद गया उनके पास, बोलते हमने मैसेज कर दिया पीछे। तो आपको नहीं लगता कि ये गलत चीज़ है, उन्हें आना चाहिए यहाँ पर मौके पर हैं? हाँ जी, ये क्यों नहीं, ये गलत चीज़ है, ये तो सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको उन्हें उठाया नहीं मेरे को, लोगों ने उठाया मेरे को। दर्शकों, जब से कोरोना महामारी का दौर शुरू हुआ है तब से लोगों की परेशानियों में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि जॉब्स चली गई, कईयों को वेजेस नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि नौकरी जो है वो प्रॉपर नहीं चल रही है, क्योंकि सैलरी डिडक्ट हो गई। कुल मिला के कहें तो हर वर्ग जो है इस वक्त परेशानी में है। वहीं दूसरी तरफ से अगर हम देखें ट्रैफिक वाले जो हैं इतने सचेत हो चुके हैं, हर नाके पर जो है वो चलान करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलान करना उनकी ड्यूटी है, चलान उन्हें करना चाहिए, हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ छोटा सा इशारा है कि इस वक्त कोर्ट बंद है, कोर्ट बंद होने के कारण जो चलान आप कोर्ट का कर रहे हैं उसे आम जनता जो है काफ़ी सफ़र हो रही है। आपको अगर चलान करने हैं आप ऑन द स्पॉट चलान कीजिए, कंपाउंड चलान कीजिए, ताकि लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। हम उम्मीद करेंगे और अपील करेंगे प्रशासन से कि वो एक बार मंथन ज़रूर करे कि क्या इस कोरोना के दौर में खाली रेवेन्यू जो है वो प्रायोरिटी रह गया है, क्या आम जनता की कोई वैल्यू नहीं है, इस पर ज़रूर मंथन कीजिएगा। और आप भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पर कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।